नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, बहुत सारे यहां पर भेड़ आप देख रहे होंगे। जो इस समय ये भैया हैं, इन्हें जो है लेकर के कहां जा रहे हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जो उन लोगों के लिए एक सीख है कि जो लोग कहते हैं कि हमें काम नहीं मिलता, क्या करें, सरकार जो बेरोजगार कर दी है, सरकार रोज़गार नहीं देती है, हम लोग जो घर ही पे रहते हैं, कोई काम नहीं मिलता तो काम करने जाते नहीं है। लेकिन उन लोगों को इस चीज़ से सीखना चाहिए कि आपके लिए काम बहुत हैं, आप जो काम करना चाहते हैं अपना काम जो है कोई ना कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए, वो काम करेंगे तो उससे आपकी अच्छी खासी इनकम भी होगी। क्यों भैया, सही कह रहे हैं ना? अब जैसे कि हमारे साथ भैया, जरा हम इनसे बातचीत करेंगे। ये हमें रास्ते पे मिले हुए हैं इतने जानवरों के साथ में। भैया क्या नाम है आपका? कहाँ से आए आप लोग? अच्छा, फतेहपुर से आए आप, हमीरपुर में? हमीरपुर चार आने गए थे, हम तो आ रहे थे छतरपुर से। अच्छा, छतरपुर तक जाते हैं आप? छतरपुर, हाँ, गाँव छावनी पहले चला के आला उठे। अच्छा, तो आप हमेशा इसी तरीके से घूमते रहते हैं, चराते रहते हैं? चार महीने फसल तैयार हो जाती है तो हमारे यहाँ जमीन नहीं पड़ी रहती। अच्छा, तो इस तरह कहीं जमीन नहीं है तो ऐसे उधर जंगल है। हाँ, जंगल एरिया में अपना चराते रहते हैं। अच्छा, जंगल में ले जाते हैं चराने के लिए। अच्छा, एक अच्छा आप जो है कितना जानवर होगा ये, जितना कितना भेड़ है आपके पास में अभी? 250-300 है। और इसके रखवाली वाले कितने लोग हैं? तीन आदमी। साथ में ये कुत्ता भी आपका है? हाँ। ये भी रखवाली करते हैं? ये भी रखवाली, दो कुत्ता है। अच्छा, और बढ़िया, इसी तरीके से आप जो है हर जगह चराते हुए? हाँ, कहीं भी बाहर ऐसे खुले आसमान में आदमी के पास? अच्छा, तो कुछ तंबू अम्बू लिए रहते हैं कैसे, मतलब ऐसे ही? अच्छा, अच्छा, तो किसी ना किसी को जगना भी पड़ता होगा, बहुत सारा भेड़ है आपके पास में, पता चले रात में कोई लोडर लगा के भले जाए। अच्छा, आपके फतेहपुर में चोरी होती है? नहीं होती है, क्योंकि हमारे यहाँ तो लोडर लेके लोग बकरियाँ भल ले जाते हैं। बकरियाँ भल लेते हैं, इनको भी भल लेते हैं। हाँ, हमारे यहाँ की पुलिस नहीं चोरी खोल पा रही है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं से हैं जो है, भरुआ रहते हैं। अच्छा, हाँ, तो अभी हाँ खास भरुआ रहते हैं। हम ये काम करते हैं, पत्रकार हैं। हाँ, तो हम ये लोगों को, हाँ, तो हम ये जो है लोगों को दिखाएंगे कि भाई इस तरीके से जो है रोजगार आप कर सकते हैं, जैसा कि आपने काफी अच्छा इनकम बताइए। जैसे आप तीन चार लोग परेशान रहते हैं, आपके पास कम से कम 200 भेड़ है, कितना इनकम महीने में हो जाता है? अच्छा, एक जानवर जो बेचते होंगे कितने का बिकता है? जानवर तो एक बिकता है कहीं 3,000-4,000। अच्छा, वो कितने दिन में एक तैयार हो जाता है? एक तैयार होता है 5-6 महीने, 7 महीने। अच्छा अच्छा, चलिए देखिए, जैसा कि भैया ने जानकारी दी कि आप जो है ये काम अगर करना चाहते हैं, क्यों भैया थोड़ा और जानकारी दीजिएगा, जैसे ही इस काम को कोई और भी लोग करना चाहते हैं कैसे करेंगे? सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है, अगर करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? करते हैं तो घर में चराएंगे तो इनकम नहीं उठा पाएंगे, मर जाएंगे। अच्छा, जो पेट नहीं भरेगा तो बच्चा नहीं तैयार होगा सही। अच्छा, तो इन्हें टहलाना जरूरी है? हम लोग टहलाना जरूरी, हम पाल हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, ये हमारे यहाँ फतेहपुर जिले में सब पालों के पास धंधा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? सूर्यपाल। ये भैया सूर्यपाल हैं, देखिए ये जो है बढ़िया तीन लोग हैं और ये 200 भेड़ लेकर के इस तरीके से चारों तरफ जो है चराते हैं, जिससे जो है इनका इनकम होता है। एक साल में लगभग कितना इनकम हो जाता होगा, जैसे बड़े बड़े जो आइडिया लगाया हो आपने, एक साल में 2 लाख हो गया, कहीं 1 लाख हो गया इसी कहीं। अच्छा अच्छा, 1.5 से 2 लाख रुपए मान के चलें एक वर्ष का इनकम है। देखिए इस तरीके से जो आप लोग भी कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं, भेड़ पालन कर सकते हैं, बकरी पालन कर सकते हैं, तमाम प्रकार के इस तरीके से जो है कार रहते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं तो जो बहाने रहते हैं, उन लोगों के पास जो बहाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। आप इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये हमारा प्रयास कैसा रहा। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।